हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल के ऊपर। एक बार फिर से नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है, अब कट ऑफ की बात इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, सभी कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, सभी कैटेगरी की कट ऑफ आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। और दो क्वेश्चंस ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पर आपको बोनस मिल सकता है, कौन कौन से वो दो क्वेश्चन हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आप सभी के लिए क्या है, 10,000 MBBS सीटें अब की बार इंक्रीज होने वाली हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 112 नए कॉलेजों की लिस्ट आ चुकी है। साथ में 58 पुराने कॉलेजेज जहां पर हर कॉलेज वाइज 100 सीट जो है इंक्रीज होने को लेकर के नोटिस पहले ही आ चुका है। उनमें से दोस्तों मैं मान रहा हूँ कि 10,000 सीटें तो इजीली वहाँ पर जो है अब की बार अप्रूवल मिल जाएगा, यानी 10,000 सीटें इंक्रीज होना बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों, कट ऑफ क्या रहेगी वो हम जानेंगे। पहले तो जान लेते हैं दो क्वेश्चंस बोनस वाले कौन कौन से हैं। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों बोनस का, वो ये है, यहाँ पर अलग अलग जो आंसर की देने वाले हैं उन्होंने अलग अलग आंसर की दी है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, इन एन इकोसिस्टम इफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल 100x है, देन व्हाट वुड बी द GPP। तो ये पूछा गया दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों बहुत से अप्रोच हैं, दो से तीन अप्रोच हैं दोस्तों। एक अप्रोच से ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक आ रहा है, एक अप्रोच से ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक आ रहा है, और एक ऐसी अप्रोच है जहाँ से ना ये ठीक आ रहा ना ये ठीक आ रहा, कोई अलग ही ठीक आ रहा है। तो नन ऑफ डीज भी जो है दोस्तों इसका आंसर हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा आंसर राइट है और मल्टीपल अप्रोच इस क्वेश्चन में लगाए तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में बोनस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जब आंसर की आएगी ऑब्जेक्शन होगा तो इस पर जरूर ऑब्जेक्शन कीजिएगा। एक क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, जहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ये बिल्कुल ठीक बात है। सेकंड है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर्ड क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों जो सेकंड स्टेटमेंट है ये डाउटफुल है, कुछ बुक्स के अंदर कुछ ही लिखा हुआ है और गूगल पर आप सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ और ही मिल रहा है। तो इससे भी दोस्तों इसका जो है, वैसे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों इसका ये वाला जो है सही आ रहा है, लेकिन जब कुछ बुक्स को फॉलो करते हैं तो इसका जो है नन ऑफ डीज आंसर आ रहा है। तो दोस्तों इन दो क्वेश्चन पर आपको बोनस मिलने के पूरे पूरे चांसेज है, आप इन पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाइएगा जब आपका जो है आंसर किया जाए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कट ऑफ है उसको हम बता देते हैं, 2023 के अंदर क्या रही थी कट ऑफ, 2023 के अंदर ये रही 610 नंबर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के ऊपर आपको कॉलेज मिल गया था, एससी और एसटी में 480 और 445। तो अब की बार दोस्तों जो कट ऑफ है वो ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला, कंपटीशन बड़ा है, 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स वहाँ पर ऐड हो गए हैं। लेकिन दोस्तों कट ऑफ आपका मैं बता देता हूँ, 615 प्लस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तो आपका कट ऑफ रहेगा जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का। एससी और एसटी का दोस्तों 500 और 460, ये कट ऑफ रहने वाला है, इसके अराउंड ही कट ऑफ आपका वेरी करेगा। साथ में दोस्तों जो 10,000 सीटें मैंने बताई वो अभी हम एक्सपेक्टेड मान के चल रहे हैं, जो कि 99% कंफर्म है कि आपकी ऐड हो ही जाएगी। अगर वो हो जाती है दोस्तों तो कट ऑफ जो है जो लास्ट ईयर 2023 में गया था यही सेम कट ऑफ रहने की पूरी पूरी उम्मीद है, इससे कम ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बाकी दोस्तों और भी एनालिसिस हम आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे, हर एक स्टेट का, हर एक स्टेट में कट ऑफ क्या रह सकती है, हर एक कैटेगरी कट ऑफ दोस्तों। साथ में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के दौरान अगर आपके कम स्कोर भी आपका आ रहा है तो भी आपको जो है अच्छा कॉलेज मिल सकता है कम बजट वाला। तो दोस्तों अपने चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर एक जानकारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।